राहुल कितना वक्त लगेगा, मुझे अपने बालों की कटिंग करानी है। मोदी जी अभी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी तो मैं अखिलेश के बाल काट रहा हूँ, उसके बाद केजरीवाल जी के बाल काटूंगा, फिर योगी जी के भी थोड़े थोड़े बाल काटना है। वैसे मोदी जी दो चार दिन पहले तो मैंने आपके बालों की कटिंग की थी, अभी तो आपके बाल ज्यादा बड़े भी नहीं हुए, इतनी जल्दी बाल की कटिंग कराने कैसे आ गए? क्या कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हो? अरे नहीं राहुल, शहर जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। बाल थोड़े बड़े बड़े लग रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा बालों को थोड़ा थोड़ा सा कटा कर ही शहर जाऊंगा। और राहुल तुम कह रहे हो कि कुछ दिन पहले तुमने मेरे बाल काटे थे, कुछ दिन पहले नहीं काटे थे, तुम्हें सही तरीके से ध्यान नहीं रहता है, मेरे बाल कटे हुए लगभग एक महीना हो गया। केजरीवाल जी मुझे शहर जाने के लिए देर हो रही है, आप अपने बालों को बाद को कटा लेना, आपकी जगह पर मैं पहले बाल कटा लेता हूँ। अच्छा मोदी जी आप तो बहुत ज्यादा चालाक बन रहे हैं, राहुल की इस दुकान के बाहर कम से कम मैं 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, मुझसे पहले राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी बाल कटा कर चले गए, अब अखिलेश के बाल कट रहे हैं, उसके बाद मेरा ही नंबर है, और मैं इतनी देर बैठने के बाद आपके बाल कटा दूं, ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल जी मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, तुम कहीं जा थोड़ी रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ भैंस का चारा काट कर लाना है, और मैं शहर जा रहा हूँ इसीलिए मुझे देर हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा था। अरे मोदी जी राहुल की बाल कटिंग की दुकान के बाहर तो बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, लगता है मेरा नंबर तो बहुत देर में आएगा, क्यों राहुल कितनी देर लग जाएगी? अरे लालू जी वक्त तो लग जाएगा, तुम देख ही रहे हो मैं अखिलेश के बाल काट रहा हूँ, उसके बाद केजरीवाल जी के बाल काटूंगा, फिर योगी जी के बाल काटूंगा, और ये अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी आए, इनके भी बाल काटना है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। अरे राहुल मेरा बार बार नाम क्यों ले रहे हो कि मेरे बाल काटोगे? आप क्या बाल कटिंग नहीं कराओगे? अरे राहुल मैं तो यूं ही बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई बाल कटिंग थोड़ी कराना है, मैंने सोचा तुम्हारी दुकान के बाहर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, क्या बैठने में भी कोई दिक्कत है? अरे योगी जी मैं इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कि आप भी बाल कटिंग कराओगे, तो आप इतनी देर से बेंच पे क्यों बैठे पड़े हो, जबकि मेरे जो बाल कटिंग कराने के लिए ग्राहक आए हुए हैं वो खड़े हुए हैं, मोदी जी और लालू जी आप बैठे हुए हो। राहुल भैया ये कोई बात नहीं हुई, इस तरीके से बात नहीं करते, अगर योगी जी तुम्हारी दुकान के बाहर ऐसी बैठ गए बेंच पर तो क्या दिक्कत हो गई, अगर वो कभी भी बाल कटिंग कराते हैं तो कराते तो तुम्हारी दुकान पर ही है। मोदी जी एक तो मेरी किराना दुकान पर कोई ग्राहक सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, ऊपर से आप मेरी दुकान के सामने देसी घी की दुकान लगाकर बैठ गए हो, थोड़ा सा इधर उधर बैठ जाते आपने तो मेरी दुकान का रास्ता ही बंद कर दिया है। अखिलेश कहाँ रास्ता बंद किया है, मैं तो बिल्कुल साइड में बैठा हुआ हूँ एक तरफ, और अगर तुम्हारी किराना दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ इसमें, मेरे पास भी तो कोई ताजा भैंस का देसी घी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। राहुल तुम कहाँ से आके बैठ गए मेरे और अखिलेश की दुकान के सामने, और पानी पे पानी पिए जा रहे हो। तो मोदी जी पानी भी पीने नहीं दोगे, केजरीवाल से एक जग भर के पानी मंगाया था, वो ही पानी पी रहा हूँ, धंधा पानी सही चल रहा है, दुकान तो देसी घी की सही चल रही है आपकी, और अखिलेश तुम्हारी किराना दुकान पर बिक्री ठीक हो रही है? अरे कहाँ राहुल भैया बिक्री हो रही है, सुबह से बैठा हुआ हूँ दुकान खोलकर, 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई है। अरे राहुल भैया आपने जो 100 रुपए की मुझसे अरहर की दाल उधार ली थी, वो 100 रुपए का उधार मुझे चुका दो। अरे अखिलेश 100 ही रुपए तो है तुम्हारे मेरे ऊपर, जैसे ही हाथ में पैसा आएगा तुम्हारा उधार चुका दूंगा, दिन रात मजदूरी करने पर भी 1 रुपया भी हाथ में नहीं आ पा रहा है। अरे मोदी जी लालू जी और योगी जी आ रहे हैं, लगता है ये शाम को खाना बनाने के लिए चावल ले जाएंगे मेरी दुकान से। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार लालू जी, बाकी सब कुशल मंगल हैं? हाँ मोदी जी बाकी सब तो ठीक है, देसी घी क्या रेट बेच रहे हो, प्योर भैंस का देसी घी है ना? लालू जी सस्ता ही देसी घी बेच रहा हूँ, 1000 रुपए किलो ले लो, 1 किलो प्योर देसी घी है। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, इसमें वनस्पति घी की मिलावट तो नहीं है आपके इस देसी घी में? नहीं होगी जी, कैसी बात कर रहे हो, प्योर भैंस का देसी घी है, कितना देसी घी दे दूं जल्दी बोलो। अखिलेश जरा 1 किलो की आयोडीन वाली नमक की थैली दे दो। अखिलेश मुझे 1 किलो चावल दे दो, घर जाकर चावल बनाकर खाऊंगा। बड़ी अजीब बात है लालू जी योगी जी, अभी आप लोग मुझसे देसी घी खरीदने की बात कर रहे थे और रेट भी पूछ रहे थे, ऊपर से ये भी पूछ रहे थे कि मिक्सिंग तो नहीं है वनस्पति घी की देसी घी में, लेकिन अचानक तुमने मेरे देसी घी को छोड़कर अखिलेश से नमक और चावल खरीद लिए, ये कोई बात हुई? लगता है मुझे अपनी देसी घी की दुकान को अखिलेश की दुकान से अलग कहीं रखना पड़ेगा। लालू जी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, धंधा पानी ठीक तो चल रहा है? लो लालू जी ये 5 रुपए लो, एक आलू वाले चिप्स की थैली दे दो। राहुल आलू के चिप्स उप्स की तो थैली है नहीं दुकान में, खत्म हो गई, कल को ले आऊंगा, कल को ले लेना। अरे लालू जी कैसी अजीब बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं लालू जी, खट्टी मीठी वाली गोली दे दो। राहुल खट्टी मीठी गोली भी खत्म हो गई, बुरा मत मानना। अरे लालू जी क्या लगा रखा है आपने, आलू के चिप्स की थैली भी नहीं है, खट्टी मीठी गोली भी नहीं है, तो आपकी किराना दुकान में, अरे
आपकी किराना दुकान तो बिल्कुल खाली हो गई। अरे लालू जी, जब आपने एक महीना पहले ये दुकान खोली थी तो बिल्कुल सामान से फुल थी, हर सामान मिलता था आपकी दुकान पर, अब कोई सामान नहीं है, कैसे खाली हो गई ये दुकान। और मैं देखता हूँ आपकी दुकान के बाहर पूरा पूरा दिन मोदी जी बैठे रहते हैं और अखिलेश आराम से चारपाई पे लेटे रहता है। अब राहुल मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो तो किसी वजह से मैं इस दुकान को खोल के बैठता हूं, एक बाल्टी में पानी लेकर बैठ गया हूं, पानी सबको पिलाता रहता हूं, तुम भी पानी पी लो। मेरी दुकान का जितना भी सामान था ये मोदी जी और अखिलेश उधार खा गए, अब पैसा मांगो देते ही नहीं है पैसा, कहते हैं हम कहीं भागे जा रहे हैं, तुम्हारी दुकान के बाहर ही तो बैठे हैं। अरे लालू जी जरा एक गिलास पानी देना, प्यास लगने लगी। अरे अखिलेश कब तक पानी पियोगे, मेरे पैसे दे दो। लालू जी एक कप घर से चाय लाया था, आपकी दुकान के बाहर जब तक चाय ना पियो मजा ही नहीं आता है, जरा देखना दुकान में कोई बिस्किट का पैकेट हो, एक बिस्किट का पैकेट दे दो, खाते में लिख लेना। मोदी जी एक बात बताओ, तुम घर से आते हो सिर्फ एक ही कप चाय लाते हो, हमारे लिए चाय क्यों नहीं लाते हो और आराम से मेरी दुकान के बाहर चाय पीते रहते हो, और ऊपर से बिस्किट का पैकेट मांग रहे हो, बिस्किट का पैकेट कहाँ से आएगा, सारे के सारे बिस्किट तो आप ही खा गए, मेरा उधार दो 80,000 रुपए। अरे लालू जी मोदी जी के ऊपर आपके 80,000 रुपए आ रहे हैं, 80,000 रुपए का सामान ही है आपकी दुकान से खा गए। राहुल ये मोदी जी तो सिर्फ 80,000 का मेरी दुकान से सामान खा गए, लेकिन अखिलेश का उधार सुनोगे तो मुंह से चीख निकल जाएगी तुम्हारे। अरे अखिलेश ज्यादा में ज्यादा 1,00,000 का उधार खा गया होगा। नहीं राहुल, 3,00,000 रुपए का उधार खा चुका है मेरी दुकान से लेकर, पैसे उधार के दे ही नहीं रहा, कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी दुकान के बाहर चारपाई पे लेटा रहता हूँ। राहुल तुम यहाँ आकर लालू जी से बेफालतू की घोरा बात कर रहे हो, जब हमें पैसे देना होंगे लालू जी को दे देंगे, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, तुम पानी पियो और जाओ। राहुल लालू जी बहुत वजन है सर पे, इस बालू में इस रेते में बहुत वजन है, ऐसा लग रहा है सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया हो, ये नदी से बालू रेता निकालने का काम भी बड़ा मुश्किल काम है, सोचता हूँ मैं इस काम को छोड़ दूं राहुल, लेकिन क्या करा जाए, अगर इस काम को छोड़ दिया जाएगा फिर आगे कोई धंधा पानी दूसरा नहीं है। मोदी जी दूसरा धंधा पानी है क्यों नहीं, आप दूसरा धंधा पानी करना नहीं चाहते हो, कई धंधे हैं, इस टाइम देखो आम का सीजन चल रहा है, मैंने आपसे कई बार कहा है आम का कारोबार कर लेते हैं, इस दिहाड़ी मजदूरी से भी बच जाएंगे। राहुल आम का तो कारोबार कर लो, धंधा कर लो आम का, लेकिन आम का धंधा करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए पास में, कोई पैसा भी तो नहीं है पास में, इसीलिए ये दिहाड़ी मजदूरी ठीक है अपने लिए तो। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, अपना लोग जो नदी से ये बालू रेता निकाल कर आए हैं, ये टोकरी में रेता बालू कम भरा करो, बहुत वजन है इस रेते में, बिल्कुल आप सही कह रहे थे। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, अगर अपना कम बालू निकाल कर ले जाएंगे इस नदी में से, कम रेता ले जाएंगे, तो पैसे भी तो अपनों को कम ही मिलेंगे, क्योंकि अपना लोगों को किलो के हिसाब से पैसा मिलता है, जितने किलो बालू या रेता इस नदी से निकालते हैं उतना ही पैसा मिलता है अपनों को, उतनी दिहाड़ी मिलती है। लेकिन मोदी जी मैं भी आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, राहुल सही कह रहा है, ये दिहाड़ी मजदूरी अपना लोग करना बंद कर देते हैं, बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है यहाँ पर, कोई दूसरा ही धंधा देखते हैं, आम को छोड़कर चलो तरबूज का धंधा देखते हैं, तरबूज बेचते हैं। अखिलेश तुम बेफालतू में बात को जलेबी की तरह घुमा रहे हो, अरे धंधा कोई भी करो, चाहे आम का धंधा करो या तरबूज का, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी धंधा करने के लिए, और अपने पास पैसा है नहीं, क्योंकि अपना लोग तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जितना दिन भर में कमा लेते हैं उतना शाम को खर्च कर लेते हैं। वैसे मोदी जी एक तरीका है अपने पास, अपना लोग इस दिहाड़ी मजदूरी से बच सकते हैं, कुछ दिन अपना लोग आधा खर्च करते हैं आधी बचत करते हैं, और ऐसी करते करते कुछ दिन में अपने पास पैसा जमा हो जाएगा, फिर अपना लोग मिलकर कोई व्यापार कर लेंगे, इस दिहाड़ी मजदूरी से बच जाएंगे। योगी जी ये ख्याली पुलाव पकाना बहुत आसान है, इस महंगाई में बचत करके देखो, दिन भर में 100 रुपए की तो दिहाड़ी पड़ती है, 100 रुपए तो खर्च ही हो जाते हैं, तो बचत कहाँ से होगी, इसीलिए यही दिहाड़ी मजदूरी करते रहो। वैसे शाम होने को जा रही है, लेकिन ये दीवार बनने में नहीं आ रही है। लेकिन ये दीवार बनेगी कैसे, योगी जी और राहुल सही तरीके से तेजी से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, अब मैं कितनी देर से खाली बैठा पड़ा हूँ, योगी जी अभी तक ईंट लेकर नहीं आए, न राहुल बालू सीमेंट लेकर आया है। मोदी जी ये देखो आपके पीछे, देखो पीछे ही खड़ा हुआ हूँ मैं, इधर तो देखो, अरे मैं 16-16 ईंटें ला रहा हूँ एक बार में, गर्दन बैठी जा रही है बिल्कुल ईंट लाते लाते, लेकिन तुम इतनी तेजी से काम करते हो, जरा सी देर में सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देते हो, और ऊपर से कह रहे हो कि दीवार बन नहीं पा रही है। योगी जी ईंटें तुम कम ला रहे हो, 16 ईंटें ला रहे हो, 16 ईंटों में काम नहीं चलेगा, कम से कम 80-80 ईंटें लेकर आओ अपने सर पर। अमित शाह जी ने अपनों को घर बनाने का ठेका दिया है, और उन्होंने कहा है
कि मुझे घर 20 दिन में बनकर तैयार मिलना चाहिए। मैंने भी कहा था कि हाँ 20 दिन में घर बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन 15 दिन तो हो गए काम करते करते, अभी तो सिर्फ दीवारें ही बन पाई हैं। कब दीवारें पूरी होंगी, कब उसके ऊपर छत पड़ेगी, ऐसे तो लगता है मुझे 2 महीनों में भी काम नहीं हो पाएगा। राहुल योगी जी, तुमने हल्के हल्के काम करके मेरी बात खराब करवा दी अमित शाह जी से। ऐसा है मोदी मिस्त्री जी, अरे आपके यहाँ पर हम मजदूरी नहीं करेंगे, ऐसी मजदूरी जाए बाहर में। अरे सीमेंट बालू मुझे सर पर लाते लाते मेरी गर्दन नीचे दबी जा रही है, लेकिन तुम्हें ये है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। योगी जी इनके यहाँ से काम छोड़कर चलते हैं, ये किसी और से काम करा लें। राहुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मोदी जी के यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मोदी जी किसी और से मजदूरी करा लो, हम आपके यहाँ पर मजदूरी नहीं करेंगे। योगी जी राहुल मेरे सामने मजदूरी छोड़ने का नाटक मत दिखाना, तुम मजदूरी छोड़ के चले जाओगे कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी अखिलेश मुझसे आज ही सुबह कह रहे थे कि कोई काम हो तो मोदी जी बताना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा योगी जी और राहुल तो मेरे पास काम कर रहे हैं। योगी जी सर पे तुम 80 ईंटें लाओ और राहुल तुम टोकरी में और ज्यादा बालू भरकर लाओ, नहीं तो मैं कहता हूँ ये काम छोड़कर जाऊँ। तुम तो आराम से मिस्त्रीगिरी का काम कर रहे हो। मोदी जी मैं तो 16-16 ईंटें ला रहा हूँ, तुम सिर्फ 10 ईंटें लाकर दिखा दो अपने सर पर। चलो राहुल इनके यहाँ से मजदूरी छोड़कर चलते हैं, इसीलिए इनके साथ कोई मजदूर टिकना नहीं चाहता है, सब छोड़कर चले जाते हैं इनका काम, क्योंकि ये मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। योगी जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ट्रेन ड्राइवर को इधर से ट्रेन लाने की क्या जरूरत थी। अरे मोदी जी ट्रेन तो हमेशा इधर ही से होकर गुजरती है, आपको पता नहीं है? हाँ ये कह सकते हो जिस शहर से ये ट्रेन होकर गुजर रही है उस पूरे के पूरे शहर में बाढ़ आई हुई है। लेकिन मोदी जी आप तो ट्रेन के अंदर आराम से बैठे हुए थे, बाहर कैसे बाढ़ के अंदर चले गए? क्या बताऊं योगी जी, जब ये ट्रेन रुकी मैं तो समझा कोई स्टेशन आ गया, इसीलिए मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा स्टेशन से एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेता हूँ। और मैंने नीचे नजर करे बगैर ही जैसे ही मैं ट्रेन की खिड़की से उतरा अचानक गर्दन गर्दन तक पानी आ गया, तो मुझे पता चला ये ट्रेन कोई ऐसी थोड़ी ना रुकी है, ये तो बाढ़ की वजह से रुकी हुई है, यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, क्या करूं अब वापस ट्रेन में आ रहा हूं, तैरना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अरे मेरे बेटे सूटकेस के ऊपर बैठकर तैर क्यों रहा है, ये कोई नाव थोड़ी है, अपना सूटकेस है, इसमें मेरे कपड़े वगैरह है सब भीग जाएंगे, इधर आप पास में आ जा। नहीं मम्मी जी, जब ट्रेन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाढ़ में रुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बाढ़ में थोड़ा तैर लिया जाए, फिर मैंने सोचा अगर तैरूंगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपना सूटकेस इस पानी के ऊपर रख दिया और सूट केस तैरने लगा, उसके ऊपर मैं बैठ गया। मेरे बेटे ये कोई खेल नहीं है, बाढ़ है, आजा पास में आजा, ट्रेन चलने वाली है। अरे सोनिया जी इतनी जल्दी ट्रेन कहाँ चलेगी, देख रही हो कितना ज्यादा पानी है चारों तरफ, ट्रेन के इंजन में भी पानी भर गया होगा, अब तो बाढ़ कम होने का इंतजार करो, बस इस ट्रेन के सीटों पर बैठे रहो। अरे राहुल भैया तुम्हारी मम्मी सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये कोई समुंदर थोड़ी है जिसमें तुम अपनी नाव तैरा रहे हो, इधर आ जाओ, अगर तैरते हुए दूर चले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ट्रेन में आ जाओ। और मायावती जी आप पानी में क्या कर रही हो, आप भी जल्दी से आ जाओ ट्रेन में। अरे अखिलेश इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बहुत मजा आ रहा है, रेल के अंदर पंखे उनके तो चल नहीं रहे, बड़ा गर्मी है, इसीलिए मैंने सोचा बाढ़ में थोड़ा नहा लेती हूँ, उसके बाद रेल में आके बैठ जाऊंगी। बहन मायावती जी बिल्कुल आप सही कह रही हो, इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं अपनी ये रेल बाढ़ में कब तक फंसी रहेगी। वैसे बाढ़ का पानी हल्के हल्के कम हो रहा है, जल्दी 1-2 दिन में ये ट्रेन चल पड़ेगी। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।